बिहार विधानसभा घेरने का ऐलान है, तो आज हम बिहार सरकार को आपके चैनल के माध्यम से आज भी आग्रह निवेदन प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का जो वर्षों पुरानी मांग है, चिर परिचित मांग है, आप मान जाइए, नहीं तो आने वाला जो बिहार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है, कोई माई का लाल आपको सत्ता में आने नहीं देगा। और हम ग्राम रक्षा दल के लोग तो आज संकल्प ले रहे हैं कि यदि हमारी मांग को आप नजरअंदाज किए तो हम तो कम से कम बिहार के मानचित्र से आपको हटाने का काम करेंगे। आज इसी ऐलान के साथ आज हम लोग बिहार विधानसभा को घेरने के लिए चले हैं। नीतीश कुमार मुख्य मांग है, हम लोग मानदेय की मांग को लेकर के, पर्चे पत्र की मांग को लेकर के, पोशाक की मांग को लेकर के, प्रशिक्षण की मांग को लेकर के, 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग 154 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में आज हम लोग आंदोलन रत है। लेकिन बिहार की गूंगी बहरी अंधी सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं, जबकि आज भी हम बिहार सरकार का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गुलाब के फूल के साथ ज्ञापन समर्पित करेंगे, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम सुना करके ही जाएंगे। मेरा नाम राम प्रसाद राउत है, हम ग्राम रक्षा दल के पूरे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आत्मा जाता है, आज जो हम इतना चिल्ला करके बोल रहे हैं उसी महापुरुषों का देन है। नहीं तो हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन आज वैसे ही शहीदों के कारण हमें बोलने का अधिकार मिला, भारत माँ को आजादी मिला और हम सारे लोग आजाद भारत में जी रहे हैं। यहाँ के सारे बड़े पदाधिकारी हैं, हम सबको जानते हैं, आप जो समझते होंगे सर कि आप चेहरा नहीं देखे होंगे, आप भले हमको नहीं जानते थे, हम सब चेहरा को जानते हैं। आप यदि मन बना लीजिएगा कि 5 आदमी जाकर के आप माल्यार्पण कर लीजिए, फिर अपना जगह पर समाप्त कर दीजिए। जो आंदोलन का तौर तरीका होता है तो हम विधि व्यवस्था करेंगे सर, आपस में आप बताएंगे। Thank you.